प्रकृति से छेड़छाड़ करना इंसान की पुरानी फितरत ही है, शायद उसी का परिणाम यह है कि देश और विदेश के सभी राष्ट्र पर्यावरणीय संकट से गुजर रहे हैं। उदयपुर इससे अछूता नहीं है। उदयपुर की झीलें अपने आप में सौंदर्य लिए हुई थी, लेकिन जब सत्ता आने के बाद हर राजनेता ने, हर अधिकारी ने, हर जनप्रतिनिधि ने उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश की है। कहने को तो कहा जाता है कि स्वरूप बदलना उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होते रहे हैं। आप फतेह सागर को ही ले लीजिए, इसके चारों ओर नए नए निर्माण किए जा रहे हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं। कहने को ये पार्क सारे के सारे उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो नैसर्गिक स्वरूप फतेह सागर का महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था, उसको इन्होंने तरह तरह से छिन्न भिन्न किया। उसी के क्रम में नगर विकास प्रन्यास के पूर्व अध्यक्ष शिवकिशोर सनाटी ने विभूति पार्क बनाने की योजना बनाई थी, वे योजना पूरी नहीं कर पाए और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब नए अध्यक्ष रूप कुमार खुराना इस कार्य में लगे हुए हैं। विभूति पार्क का स्वरूप क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, या फिर इनकी योजनाएं जिस तरह की बन रही है योजनाकार प्रारूपकार बता सकते हैं, किंतु उसके निर्माण के रहते यहाँ के आने जाने पर्यटकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए शाम दोनों तरफ दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जिससे आम जन जो विशेष का पर्यटक अपने वाहन को लेकर इधर नहीं आ सकता है। इसका एक फायदा जरूर हुआ है कि जिसे इसकी नैसर्गिक सुंदरता को निहारना हो उसे पैदल ही चलना पड़ेगा।